इनकाउंटर होगा या पुलिस मार देगी या कोई अपनी बिरादरी का ही सरफिरा सड़क के किनारे पड़े मिलेंगे। लगभग 15 साल पहले अतीक अहमद ने ये बात एक चुनाव प्रचार के दौरान कही थी। शायद कहीं ना कहीं उसे भी ये अंदाजा था कि वो जिस रास्ते पर चल रहा है उसका अंजाम कुछ ऐसा ही होगा। नमस्कार, मैं हूँ प्रभा शर्मा और आज के एजेंडे में आपको बताती हूँ इसी माफिया अतीक की पूरी कहानी। तो साल 1962 में इलाहाबाद में फिरोज अहमद नाम के एक तांगे वाले के घर जन्म हुआ अतीक का। घर में पहले बच्चे के आने की खुशी तो सबको होगी, लेकिन तब शायद किसी को ये अंदाजा नहीं होगा कि यही बच्चा कभी सिर्फ प्रयागराज ही नहीं बल्कि पूरे यूपी में अपनी हुकूमत चलाएगा। अपराध की दुनिया हो या राजनीति, अतीक जो कहता था वही होता था। एक समय में उसकी तूती बोलती थी। कहा जाता है कि उस वक्त अतीक जिस भी जमीन, घर या बंगले पर हाथ रख देता था वो मालिक उस घर को खाली करके चला जाता था और प्रॉपर्टी खुद चलकर अतीक के पास आ जाती थी। 1997 में हत्या का पहला मुकदमा, फिर 1989 में राजनीति में एंट्री, 5 बार विधायक और 1 बार सांसद रहने के बाद फिर 2017 में जेल भी गए। 100 से ज्यादा केस तो अब तक लंबित थे, मतलब पॉलिटिक्स पर पकड़ और क्राइम की दुनिया में पैठ बराबर बढ़ रही थी। आम लोगों के साथ साथ अतीक की दहशत ने राजनीतिक हस्तियों को भी काफी परेशान किया। उसका खौफ कितना था इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि शहर पश्चिमी से कोई उसके खिलाफ लड़ना नहीं चाहता था। साल 2004 के लोकसभा चुनाव में अतीक अहमद सपा के टिकट पर इलाहाबाद की फूलपुर सीट से चुनाव जीत गया। उस वक्त अतीक इलाहाबाद पश्चिम सीट से विधायक था। इस सीट से अब वो अपने छोटे भाई अशरफ को चुनाव लड़ाने की तैयारी करने लगा, लेकिन फिर कहानी में ट्विस्ट आया तत्कालीन सीएम मायावती की एंट्री से, क्योंकि गेस्ट हाउस कांड के बाद मायावती अतीक की दुश्मन बन चुकी थी और फिर उन्होंने अशरफ के खिलाफ राजू पाल को चुनाव मैदान में उतार दिया और नतीजा ये रहा कि अशरफ को हरा कर राजू पाल विधायक बन गया। लेकिन अतीक को ये बात हजम नहीं हुई और उसने राजू पाल की हत्या करवा दी। वैसे राजू पाल के बारे में भी थोड़ी जानकारी दे दूं कि राजू पाल प्रयागराज के माफियाओं में से एक था। उसे धूमनगंज थाने का हिस्ट्री सीटर भी कह सकते हैं, जिसने बसपा के साथ राजनीति में एंट्री की। हालांकि 2004 में जब अतीक के भाई के खिलाफ उसने चुनाव जीता तो 4 महीने के बाद ही 25 जनवरी 2005 को राजू पाल की हत्या करा दी गई। वैसे उससे ठीक 10 दिन पहले यानी कि 15 जनवरी को उसकी शादी पूजा पाल से हुई थी। उस समय आरोप अतीक और उसके भाई अशरफ पर लगा। वैसे तब इस हत्या के गवाह उमेश पाल ने अपना बयान बदल दिया और मामला वहीं ठंडे बस्ते में चला गया। बता दूं कि इसके पहले उमेश पाल का अपहरण हुआ था और अपहरण से जब वो वापस आया तो बतौर गवाह उसने अपना बयान बदल दिया था। लेकिन फिर 17 साल बाद जब दोबारा ये मामला खुला तो उमेश पाल की हत्या के साथ अतीक की उल्टी गिनती शुरू हो गई और फिर आगे की कहानी की पूरी तस्वीर हमारे सामने है। 44 सालों का आतंक 44 सेकंड में खत्म हो गया। पत्रकार बनकर आए 3 युवकों ने अतीक और अशरफ को गोलियों से भून दिया। इस हत्या के बाद पूरे देश में राजनीतिक भूचाल आ गया है। यूपी के लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठ रहे हैं। हथियारों के पास प्रतिबंधित जिगाना पिस्टल कैसे आई? अतीक और अशरफ की सुरक्षा इतनी ढीली क्यों थी? और भी बहुत कुछ, पर ये तो अब साफ है कि अतीक की हत्या का असर आने वाले चुनाव में भी जरूर दिखेगा। आप अतीक की इस हत्या को कैसे देख रहे हैं? क्या आपके मन में भी कुछ सवाल है? हमें कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। और आज की वीडियो आपको पसंद आई या नहीं इसे जरूर बताइएगा, इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा। बाकी ऐसी और वीडियोस के लिए देखते रहिए समाचार प्लस झारखंड बिहार। नमस्कार।